हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद डिंपल। आज मैं आपको दिखाऊंगी सैंडविचेस, थ्री टाइप्स ऑफ सैंडविचेस, जिसमें दो टाइप जो है वो नॉन वेज सैंडविच रहेगा और एक वेज सैंडविच। ये सैंडविचेस आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक की तरह पूरा फैमिली खा सकता है, और ये बहुत हेल्दी होता है बिकॉज बहुत ज्यादा इसमें डीप फ्राइंग और दो टाइप के जो सैंडविचेस है उसमें एक इंग्रेडिएंट कॉमन रहेगा, वो है सलामी। तो यहाँ पे मैं चिकन के सलामी यूज कर रही हूँ, और एक में आप देखेंगे मैं विथ लेटस यूज करूंगी, और दूसरा जो सैंडविच होगा वो विदाउट लेटस बट उसमें चीज रहेगा। सो ये मेरे दोनों बच्चों का चॉइसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ चॉइसेस, जिस वजह से सैंडविच भी दो तरह का बनता है। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा एक ऑप्शन रहेगा। इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो है ब्रेड्स, सलामी, मेयोनीज, लेटस, ब्लैक पेपर और बटर। सबसे पहले मैं बटर मिलाऊंगी मेयोनीज में। ये आप कोई भी मेयोनीज ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड का। इसी में डाल दूंगी पेपर पाउडर और फिर डाल दूंगी लेटस। ये सारे डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह से मिला लें। ये फर्स्ट टाइप का सैंडविच बन रहा है जिसमें लेटस यूज हो रहा है, तो अच्छे से मिला ले आप। अब हमें इसे असेंबल करना है। आप इस तरीके का ब्रेड आप यूज़ कर सकते हैं जो सैंडविच के लिए यूज होता है, वो थोड़ा चौड़ा होता है, या फिर कोई भी ब्रेड आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें बीच में ये डाल दीजिए, बटर तो ऑलरेडी है, इसकी वजह से, बटर की वजह से ये आपका एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा रहेगा, और दूसरी बात है कि आपका ब्रेड जो है वो बहुत सॉफ्ट रहेगा। तो और इस सैंडविच को चिल करके ही खाया जाता है। अब मैं डाल दूंगी इसमें दो दो सलामी, आप चाहे तो अब ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट मैं दो ही डाल रही हूँ। इस तरीके से अब हल्का सा प्रेस कर लीजिए चारों तरफ। मैं दो आपको दिखा रही हूँ फिल करके। सबसे मजेदार बात है कि आप इसको, ये खराब नहीं होता है, इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है, वो बहुत अच्छा लगता है, ठंडा रहने से ज़्यादा टेस्टी रहता है। हम जब US में रहते थे तो बहुत इस तरीके का सैंडविचेस बना के ट्रैवल करते थे विद किड्स, तो बहुत हैंडी रहता है। इस तरह से आप इसको प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ऐसे ही रख सकते हैं, तो बट मैं साइड्स काटूंगी। अब थोड़ा सा और बटर और मेयोनीज मिला रही हूँ। इसमें मैं लेटस नहीं मिलाने वाली, क्योंकि मेरी छोटी बेटी को लेटस के पत्ते पसंद नहीं हैं, तो उसके लिए मैंने विदाउट लेटस ये मेयो मिक्सचर बना रही हूँ, और उसके लिए एक अलग ब्रेड में डाल रही हूँ, और इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी जो आपको मैं दिखाती हूँ अभी। तो ये दूसरा ऑप्शन हो जाता है आपके ब्रेड का, एक विदाउट लेटस एक विथ लेटस। इसको आप विदाउट ग्रिलिंग भी खा सकते हैं, बट मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसको ग्रिल करके
सर्व करती हूँ। और उसको दूसरे दिन आप टिफिन बॉक्स में देख सकते हैं और दूसरे दिन आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। ये 2 दिन तक फ्रिज में आराम से रह जाएगा अगर आप इसको अच्छे से स्टोर करें। अब मैं ग्रिल करूंगी वो वाले सैंडविच जिसमें मैंने लेटस नहीं यूज किया, इंस्टेड उसमें यूज किया एक चीज का स्लाइस और उसमें है सलामी। तो इसको मैं ग्रिल करूंगी ताकि एक दूसरे टाइप का सैंडविच बन जाए। इसके लिए आप कोई भी पैन यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने, मेरे पास एक ग्रिल्ड पैन है वो मैंने यूज किया है। उससे उसका जो इफेक्ट आता है वो एकदम दुकान वाला जैसा लगता है, उसमें स्ट्राइप्स आता है, देखने में बहुत बढ़िया लगता है। और आप जब सर्व करें तो उसे बीच में से स्लाइस कर लें। जस्ट 1 से 1.5 मिनट तक दोनों साइड आपको ग्रिल करना है ताकि वो क्रिस्पी बन जाए। आप देखिए ये बहुत अच्छे एक स्ट्राइप्स आ गया है इसमें, और मैंने इसको फिर बीच में से काट के सर्व किया। फॉर द लास्ट सैंडविच जो मैं अब बनाने वाली हूँ, एक पैन लिया, उसमें वाइट ऑयल डाला। वाइट ऑयल जैसे गर्म हो गया उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा चॉप्ड ऑनियंस। चॉप्ड ऑनियंस को थोड़ा सॉटे करने के बाद उसमें अब मैंने डाल दिया बॉयल किया हुआ आलू। उसको थोड़ा सॉटे होने दे, फिर डाल दीजिए उसमें नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और उसको फिर से हिला लीजिए। ये आलू अब बन चुका है। उसी पैन में मैंने डाला बटर, फिर डाला मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पेपर पाउडर और उसको मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूंगी 1/2 मिनट तक, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मशरूम को आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस आपको हल्का सॉटे ही करना है। ये देखिए ये सॉटेड हो चुका, अब इसको मैं निकाल के रख दूंगी। अब मैं मेयो लगा रही हूँ, तंदूरी मेयो जो आपको बाजारों में मिल जाएगा वो मैं रखती हूँ घर में, ब्रेड्स एंड रोटीज में एज अ स्प्रेड यूज करती हूँ। उसको मैं लगा रही हूँ ऑन बोथ साइड, तो इससे आपको बहुत अच्छा सैंडविच में एक टैंगी टेस्ट आएगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत लगाइए, बट ये मैं लगाती हूँ। इंस्टेड आप बटर लगा सकते हैं या तंदूरी मेयो के अलावा आप वाइट मेयो भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। अब जो आलू वाले फिलिंग है इसको मैं डालूंगी दोनों सैंडविचेस के अंदर, बीच में डालूंगी और दूसरे ब्रेड से इसको अच्छी तरीके से दबा लूंगी। ये ब्रेकफास्ट बहुत फिलिंग है और बहुत देर तक अगर आप लंच हल्का फुल्का भी खाएं तो ये आपका स्टमक जो है वो फुल ही रहता है। तो इसको आप एज अ प्योर वेज फॉर्म में भी बना सकते हैं ऑनियंस के बगैर, और आप इसमें मशरूम्स अगर पसंद नहीं है तो आप सॉटेड वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं हल्का सा पारबॉयल करके। अब उसी पैन में, बिकॉज उसमें फ्लेवर है, थोड़ा सा बटर डाल के मैं उसको ऑन बोथ साइड्स हल्का सा ग्रिल कर लूंगी। इसके लिए आप ग्रिल पैन भी यूज कर सकते हैं, आपका कोई ग्रिलर है तो वो भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे लिए ये पैन ठीक है। थोड़ा सा बटर दिया ऑन बोथ साइड्स, अब इसको थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक
एंड क्रिस्पी होने तक इसको मैं फ्राई करूंगी। इसको पैन फ्राई बोलते हैं, और फिर बीच में से काट के इसको मैं सर्व करूंगी। उसी पैन में इस तरीके से मैं पोच बना रही हूँ। ये पोच ऑप्शनल है। मैं पोच के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देखने में बहुत लग रहा है। सो एक थ्री टाइप ऑफ सैंडविचेस मैंने आपको दिखाया।